इसका हम क्या करने वाले हैं आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अगर इस चैप्टर को आप अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ये पूरा चैप्टर अवेलेबल है वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं और आज इसी चैप्टर का हम आपको दे रहे हैं एक पूरा कम्प्लीट रिविज़न तो आपको इस सेशन के आखिरी तक बना रहना है और जल्दी से इस सेशन के शुरू होने से पहले ही आप जल्दी से इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम इस चैप्टर का परिचय परिचय में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है तो इसमें हम देखेंगे आधुनिक युग से पहले की हम बात करेंगे कि आधुनिक युग के पहले क्या क्या हुआ था अपन भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की बात करें तो ये जो चीज़ है ये जो अवधारणा है वैश्वीकरण की या भूमंडलीकरण की ये हमें कुछ पचास सालों में ज़्यादा दिखाई देती है लेकिन आधुनिक युग के पहले इन पचास सालों के पहले प्राचीन समय से किस तरीके से भूमंडलीकृत विश्व को धीरे 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 करके बनाया गया और ये जो वर्तमान में अवधारणा हमें दिखती है इतने बड़े रूप में वो कैसे दिखती है उसको अपन पहले आधुनिक युग से पहले से अपन कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया यानी कि रेशम मार्ग के जरिए चीन में जो रेशम मार्ग था तो पूर्वी दुनिया से कैसे पश्चिमी दुनिया उस रेशम मार्ग के द्वारा जुड़ती है इस बारे में जानेंगे उसके बाद भोजन की यात्रा के बारे में देखेंगे यानी कि विश्व का जो विश्व के जो अलग अलग के पदार्थ के खाद्य पदार्थ हैं अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं अलग अलग भोजन है अलग अलग वैरायटी का जो भोजन है वो कैसे एक देश से दूसरे देश में पहुंचा उसके बाद हम देखेंगे विजय बीमारी और व्यापार एक देश ने किस तरीके से दूसरे देश पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया कैसे कई देशों में जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ और किस तरीके से व्यापार के अवसर जो है एक देश ने दूसरे देश में जाके खोजे और विश्व अर्थव्यवस्था को जुड़ने का प्रयास किया उसके बाद हम दूसरे पार्ट में देखेंगे <coughs> उन्नीसवीं शताब्दी की बात करेंगे जिसमें हम अठारह सौ पंद्रह से उन्नीस सौ चौदह तक की बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय तकनीक की भूमिका उन्नीसवीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे उसके बाद देखेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग ये एक ऐसी बीमारी थी जो कि <coughs> मवेशियों में फैली थी यानी कि पशुओं में फैली थी जिसके जरिए जो है एक देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से गड़बड़ाई थी उसके बारे में जानेंगे और मवेशी प्लेग किस तरीके से फैला था उसको भी जानेंगे उसके बाद आगे बढ़े उसके बाद हम देखेंगे तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना यानी कि भारत से एक एग्रीमेंट के तहत कैसे श्रमिक जो है दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते थे उसके बाद हम देखेंगे कि विदेशों में भारतीय उद्यमी यानी कि विदेशों में किस तरीके से भारतीय उद्यमियों ने अपना व्यापार स्थापित किया किस तरीके से वहाँ पे जाके काम किया उसके बाद देखेंगे हम भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के बारे में जानेंगे यानी कि भारतीय व्यापार जो है अन्य देशों के साथ कैसे संपर्क स्थापित करता है उपनिवेशवाद भारत में किस तरीके से हुआ उपनिवेशवाद यानी कि कैसे विकसित देशों ने अपने से कम देशों पे यानी कि विकासशील देशों पे कैसे अपना कब्जा जमाया और वहां के संसाधनों का प्रयोग करके खुद के देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया उसके बाद हम देखें महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था की बात करेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक की बात करेंगे उसके बाद उन्नीस से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध जो कि छह वर्षों तक चला था उसकी बात करेंगे तो उन महायुद्धों के बीच उन दो महायुद्धों के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे युद्धकालीन रूपांतरण यानी कि जब युद्ध हो रहे थे युद्धकालीन यानी कि जब युद्ध हो रहे थे तो उस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे थी और युद्धोत्तर सुधार युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो गए तो युद्ध के बाद किस किस तरीके से सुधार किए गए उनके बारे में जानेंगे उसके बाद देखेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किस तरीके से युद्ध के बाद जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और उसका उपभोग हुआ या नहीं हुआ और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद उपभोग ना होने से किस तरीके का घाटा विश्व की अर्थव्यवस्था को पहुँचा उसके बारे में जानेंगे उसके बाद देखेंगे हम महामंदी का दौर देखेंगे उसके बाद देखेंगे भारत और महामंदी यानी कि इसमें हम वैश्विक महामंदी के बारे में जानेंगे युद्ध के पश्चात और उसके बाद हम जानेंगे भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है अगले पार्ट में हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल यानी कि युद्ध के बाद का समय युद्ध के बाद के समय में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे क्लियर हो गई इतनी बातें अब बढ़ते हैं आगे <coughs> अब देखें हम युद्धोत्तर बंदोबस्त यानी कि युद्ध के पश्चात किस तरीके के बंदोबस्त करे गए थे विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में और ब्रेटन वुड्स संस्थान के बारे में भी जानेंगे जो कि 1944 के दौरान सक्रिय हुआ था जिसने आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म दिया था उसके बाद हम प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष के बारे में जानेगी यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध समाप्त होने के बाद प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष कैसे थे यानी कि प्रारंभिक उस शुरुआती साल जो है युद्ध के पश्चात किस तरीके के गुजरे उनके बारे में जानेंगे उन शुरुआती वर्षों में क्या क्या हुआ वो जानेंगे उसके बाद देखेंगे औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता इसके बारे में जानेंगे उसके बाद देखेंगे ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत किस तरीके से मानी जाती है तो ये तो बात हो गई हमारे परिचय की क्लियर अब हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना वन शॉट रिविजन जिसमें हम एक एक पॉइंट्स को जितने भी पॉइंट्स अभी अपन ने इंट्रोडक्शन में देखे परिचय में देखे उन सारे पॉइंट्स को अपन कवर करते हुए जाएंगे तो वैश्वीकरण की बात करें सबसे पहले अपन ये जान लें कि वैश्वीकरण होता क्या है तो वैश्वीकरण जो है एक आर्थिक प्रणाली है आर्थिक प्रणाली कैसे है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है और कई सारे देशों के बीच जो है है व्यापार होने लगता है. उसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण वैश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च।। वैश्वीकरण तो क्या है एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है वैश्वीकरण कहा जाता है भाई एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ेगी जब व्यक्तियों सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश की तरफ स्थानांतरण होगा ठीक है वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा ठीक है तो हमने ये जाना कि वैश्वीकरण होता क्या है इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके बाद देखें भूमंडलीकरण ठीक है तो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण कहा जाए तो दोनों एक ही अवधारणा है ठीक है लेकिन वैश्वीकरण को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है वहीं दूसरी वहीं दूसरी दूसरी तरफ तरफ भूमंडलीकरण को जो है आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों से जोड़ा जाता है ठीक है भूमंडलीकरण के माध्यम से क्या होता है कि दुनिया भर में आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण हो जाता है इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं वस्तुओं और सेवाओं पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं यानी कि पूरी दुनिया आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है इन सारी चीज़ों का प्रवाह जो है एक देश से दूसरे देश की तरफ होता रहता है तो क्लियर हो गई बात कि कहाँ वैश्वीकरण जहाँ पर वैश्वीकरण जो है सिर्फ आर्थिक प्रणाली की बात करता है आर्थिक प्रक्रिया की बात करता है वहीं दूसरी तरफ भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सारे पहलुओं की बात करता है क्लियर हो गई इतनी बात और भूमंडलीकरण भी जो है वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाता है क्यों क्योंकि जब आर्थिक प्रक्रिया के लिए लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं तो उनके बीच सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं क्लियर हो गई बात चलिए तो बढ़ते हैं आगे आगे देखें प्राचीन काल की बात करें अब ठीक है प्राचीन काल की बात करें आधुनिक युग से पहले की बात करनी है हमें कि आधुनिक युग से पहले विश्व अर्थव्यवस्था कैसी थी और आधुनिक युग से पहले क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण भूमंडलीकरण स्थापित हो पाया तो यात्रियों व्यापारियों पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने जान अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए जो है विशाल दूरी तय करी उसके बाद देखें वे अपने साथ सामान पैसा मूल्य कौशल विचार आविष्कार और यहाँ तक कि रोगणु और बीमारियां भी लेके गए जब कई यात्रियों ने व्यापारियों ने पुजारियों ने तीर्थ यात्रियों ने अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए ठीक है क्या किया शोषण से बचने के लिए क्या किया विशाल दूरी तय की एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो अपने साथ जो है सामान पैसा मूल्य कौशल विचार आविष्कार यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियाँ भी ले गए यानी कि जिस बीमारी से वो ग्रसित थे जहाँ वो गए तो वो चीज़ें भी उनके साथ पहुँची तो 3000 ईसा पूर्व की बात करें आज से 3000 साल पहले की हम बात करें तो 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा वहीं पे बात आती है रेशम मार्ग की और रेशम मार्ग ने भी चीन को पश्चिम से जोड़ा रेशम मार्ग की अपन यहाँ पे बात कर लें मैप के जरिए आपको रेशम मार्ग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो रेशम मार्ग की बात करें यहाँ पे आपको जो है चीन दिख रहा है ठीक है यहाँ पे कई सारे अन्य देश भी दिख रहे हैं जैसे कि भारत फ्रांस अरब मिश्र और यूरोप उसके बाद यहाँ आप देखें सोमालिया ठीक है ये सारे देश हो गए यहाँ चीन से रेशम मार्ग जो है यहाँ पे आपको जो रेड कलर में जो मार्ग दिख रहा है वो है आपका स्थल मार्ग है ठीक है रेड क्या है आपका स्थल मार्ग है और जो आपका नीला कलर है एक मिनट अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं ये जो आपका रेड है वो है आपका क्या स्थल मार्ग है और वही दूसरी तरफ अपन ब्लू देखें, तो वो आपका जल मार्ग हो गया ठीक है तो यहां पे रेड कलर से स्थल मार्ग को और ब्लू कलर से जल मार्ग को दर्शाया गया है अब रेड कलर और ब्लू कलर की क्या भूमिका है यानी कि स्थल मार्ग और जल मार्ग की क्या भूमिका है विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में रेशम मार्ग के जरिए ठीक है तो यहाँ पे आप देखें चीन से चीन से यहाँ पे आप सबसे पहले अपन स्थल मार्ग की बात करें तो चीन से स्थल मार्ग से जो है भारत की तरफ व्यापार संभव हो पा रहा है ठीक है यहाँ आप देखें फारस की तरफ ठीक है यहां से फिर जो है अरब कंट्रीज की तरफ जा रहा है यहां से आप देखें यूरोप की तरफ जा रहा है ठीक है फिर अपन इसके बाद हम जल मार्ग की बात करें जिसको नीले रंग से दर्शाया गया है तो चीन से यहाँ पे आप देखें जावा की तरफ हिंद महासागर होते हुए और भारत होते हुए भी यहाँ से आप देखते जाएं, यहाँ पे अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका में आप देखें तो सोमालिया यहाँ पे मिस्र फिर यहाँ से आप देखें कि मिस्र से होते हुए यूरोप भूमध्य सागर के जरिए कहाँ जा रहा है यूरोप की तरफ जा रहा है ठीक है तो रेशम मार्ग से जो है सिर्फ रेशम का ही निर्यात नहीं किया जाता था अन्य वस्तुओं का भी निर्यात किया जाता था और बदले में उसी रेशम मार्ग से पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों की तरफ भी व्यापार संभव हो पाता था तो अपन देख रहे कि प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था वो किस तरीके से व्यापार को संभव बनाने में व्यापार को संभव बनाने में अग्रणी साबित होता है क्लियर हो गई इतनी बात चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे अब भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की रेशम मार्ग के जरिए जो है व्यापारिक संबंध तो स्थापित हुए साथ ही साथ अब यहाँ पर रेशम मार्ग के अलावा हम आगे और बात करें तो भोजन की यात्रा भी अपन को दिखती है तो भोजन ने जो है अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा करी नूडल्स की बात करें वर्तमान में सभी नूडल्स को जानते होंगे तो नूडल्स ने जो है चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैगेटी बन गया स्पैगेटी इटली में कहते हैं उसी चीज को ठीक है उसके बाद देखें बीमारी की बात मैंने बताई थी कि कैसे बीमारी का भी प्रसार एक देश से दूसरे देश की तरफ हुआ था तो यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए एक बार पहुंच जाने के बाद चेचक जो है पूरे महाद्वीप में फैल गया कौन लेके गया यूरोपीय विजेता कहां लेके गए थे अमेरिका में चेचक के रोगाणु लेके गए थे और एक बार जब चेचक का रोगाणु जो है अमेरिका पहुंचा तो धीरे धीरे करके वो पूरे महाद्वीप में फैल गया इतनी बातें क्लियर हो गई तो ये हो गई अपन की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद हम देखें रेशम मार्ग की बात करें रेशम मार्ग के में बारे में मैंने आपको बताया था तो सिल्क रूट या रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौदहवीं शताब्दी तक यह चीन भारत फारस अरब ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था ठीक है उस दौरान भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया क्या दिया गया नाम सिल्क रूट या सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे जैसा कि अपन ने पहले ही मैप में देख चुके हैं ठीक है तो ये स्थल मार्ग है और ये आपका जल मार्ग है तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से पूरब से पश्चिम की तरफ व्यापार संभव हो पा रहा है किसके माध्यम से रेशम मार्ग के माध्यम से या सिल्क रूट के माध्यम से उसके बाद बढ़ते हैं आगे <coughs> रेशम मार्ग की कुछ विशेषता यहाँ पे आपको दी गई हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं इस सिल्क रूट से होकर जो है चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे ठीक है सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों में जा रहे हैं रेशम का व्यापार हो रहा है वहीं फिर बदले में उसी मार्ग से यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे उसके बाद देखें कि सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच गए थे यानी कि धार्मिक संस्कृतियां जो है दूसरे देशों तक इसी रूट के माध्यम से पहुंच गई थी उसके बाद देखें <coughs> रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है क्योंकि दुनिया के बहुत से हिस्सों को जोड़ रहा है पूर्व से लेके पश्चिम तक की दुनिया को ये एक दूसरे से जोड़ रहा है उसके बाद देखिए क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और पंद्रहवीं शताब्दी तक ये विकसित हुए सिल्क रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ जैसे कि यहाँ पे आप धर्म की बात करें ईसाई इस्लाम बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में इसी सिल्क रूट के द्वारा पहुंचे थे तो विभिन्न धर्म और विभिन्न संस्कृतियां भी पहुंची साथ साथ विभिन्न देशों के बीच जो है व्यापार भी इसी मार्ग के जरिए संभव हुआ सिल्क रूट के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई चलिए अब बढ़ते हैं आगे <coughs> भोजन की यात्रा की बात करें भोजन की यात्रा में यहां पे हम देख रहे हैं स्पेगेटी और आलू की हम बात करें तो स्पेगेटी की बात करें सबसे पहले तो नूडल जो है नूडल जो है चीन की देन है ठीक है जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा भारत में हम इसके देशी संस्करण सेवियों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं हम सेवैयाँ खाते हैं जो कि आटे की बनती हैं ठीक है तो नूडल्स जो है चीन की देन है वहाँ दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचा भारत में इसके हम देसी संस्करण की बात करें तो सेवैयों के रूप में इसका वर्षों से इस्तेमाल करते रहे हैं इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पेगेटी ठीक है सभी जानते हैं ये बात तो उसके बाद हम देखें कि आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू मिर्च टमाटर मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला यानी कि <coughs> ये सारी फसलें ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि आलू मिर्च टमाटर मक्का सोया मूंगफली शकरकंद ये जो है ये जो है आपके देश की भी नहीं है ये भारत देश की भी नहीं है यूरोप में भी वो तब पहुंची जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला था ठीक है अमेरिका भी जो है पहले सिर्फ अपने में रहता था उनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं रहता था अमेरिका की खोज भी काफी बाद में करी गई जब अमेरिका की खोज हुई कि भाई ऐसा भी एक देश है फिर उसके धीरे धीरे करके दुनिया के अन्य देशों से संबंध स्थापित होते हुए माने जाते हैं उसके बाद हम देखें आलू की यात्रा ठीक है तो <coughs> आलू भी जो है भारत का नहीं है ठीक है भले ही इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है ठीक है तो आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए कैसे आए आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना वो खा सकें और अधिक दिन तक जी सकें यानी कि यूरोप जो है भयंकर गरीबी और भुखमरी के दौर से गुजर रहा था जब वहाँ पर आलू जैसी चीज़ आई आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आए और आलू के आने के बाद ही लोग इस स्थिति में आ पाए कि उनको बेहतर खाना मिल सके और वो लंबे समय तक जी सके क्योंकि भूखमरी के कारण जो है वहाँ के लोग जो है ज्यादा नहीं जी पाते थे आयरलैंड के किसान इतने ज्यादा निर्भर थे आलू पर कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई थी तो कई लाख लोग जो है भूख से मर गए उस अकाल को आयरिस अकाल के नाम से जाना जाता है यानी कि आयरलैंड के किसान आलू पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए आलू की खेती पर और आलू का उपभोग करने पर आलू को अपने भोजन का मुख्य पदार्थ मानने पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में जो है किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से ही मर गए लाखों लोग उनके पास आलू अवेलेबल नहीं था आलू की फसल खराब हो गई थी तो आयरलैंड आयरलैंड के कई सारे लोग लाखों लोग भूख से मर गए और उस अकाल को जो है आयरलैंड में यह अकाल पड़ा था तो उसे आयरिस अकाल के नाम से जाना जाता है ठीक है तो भोजन की यात्रा को अपन ने जाना है कि किस तरीके से नूडल्स और आलू की यात्रा जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंची यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि आयरलैंड में आलू अकाल जो है जब पड़ा तो आलू की फसल कट जाने के बाद जो है बचे खुचे आलुओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे कि कहीं से थोड़ा बहुत हमें आलू मिल जाए और हम अपनी भूख को शांत कर पाए अब अपन यहाँ पे देखें विजय बीमारी और व्यापार इसको जाने विजय बीमारी और व्यापार किस तरीके से एक देश ने दूसरे देश पर विजय प्राप्त करी बीमारियां एक देश से दूसरे देश तक पहुंची विजय विजय किस लिए प्राप्त करी थी व्यापार करने के लिए उस देश में हम ज्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार स्थापित कर पाए उस देश के संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने देश में जो है भेज पाए वो संसाधन और वहां से उत्पादन कहाँ होगा उन संसाधनों के जरिए उस कच्चे माल के जरिए उत्पादन कहाँ पे होगा उनके देशों में होगा और उनके देशों में जो उत्पाद बनेंगे बनेंगे उनके देश में जो प्रोडक्ट वो कहा आएंगे वो आएंगे दूसरे देशों में साथ ही साथ भारत देश में भी तो वो ऊंची कीमत पर बिकेंगे तो इस तरीके से अपन विजय बीमार और विजय बीमारी और व्यापार की बात करेंगे तो अमेरिका की खोज और बहुमूल्य धातुओं का लाना सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं सोलहवीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था ठीक है किसने खोज लिया यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था कब खोज लिया था सोलहवीं शताब्दी में खोज लिया था नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतः की नींव भी रखी थी उसके बाद देखें कि अमेरिका के पास अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था यानी कि अमेरिका के पास खनिज का अथाह भंडार था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इस महाद्वीप में भी अनाज भी प्रचुर मात्रा में था अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल दिया था ठीक है पहले तो अमेरिका को कोई जानता नहीं था जैसे ही क्रिस्टोफर कोलम्बस ने जो है <coughs> यूरोप की यात्रा करते हुए आगे बढ़ा और अमेरिका की खोज करी ठीक है तो वहां पे, पाया, वहां पे पाया गया कि अमेरिका के पास खनिज और अनाज दोनों का भंडार बहुत ज्यादा मात्रा में है क्लियर हो गई इतनी बात अब आगे देखें <coughs> तो अब हम बात करें कि विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग विजय के लिए किस तरीके से किया गया यानी कि यहाँ पे एक बात समझ लेनी ये जरूरी है कि विजय के लिए जो है उनके उनके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना थी ना कोई बहुत ज्यादा हथियार थे लेकिन विजय के लिए किस तरीके से चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया गया इस बात के बारे में हम जानेंगे ठीक है तो सोलहवीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी यूरोपियो ने जो है किसी हथियार के जरिए किसी सेना के जरिए विजय नहीं पाई थी दूसरे देशों पर दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के लिए ना किसी सेना का सहारा लिया था ना ही किसी किसका ना ही किसी हथियार का सहारा लिया था उनके पास एक हथियार था बीमारी और वो बीमारी थी चेचक चेचक के कीटाणु यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण जो है पहले ही हो चुका था इसलिए इसलिए इन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता विकसित कर ली थी वो उस बीमारी से पहले ही ग्रस्त थे तो उनका शरीर ऐसा हो गया था कि उस बीमारी के 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 प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर के अंदर विकसित हो गई थी लेकिन दूसरे देश के लोग जो इस बीमारी से परिचित नहीं थे उनका शरीर भी इस बीमारी से परिचित नहीं था न उसकीणु के विरुद्ध उस देश के लोगों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो पाई थी तो यूरोप ने सबसे बड़ा अस्त्र किसे माना सबसे बड़ा अस्त्र बीमारी यानी कि चेचक के टाणुओं को सबसे बड़ा अस्त्र अपनाया उसके बाद हम देखें <coughs> लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग था लेकिन अमेरिका जो है तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग था इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोध क्षमता नहीं थी क्योंकि अमेरिका की खोज तब तक नहीं हो पाई थी लेकिन जब तक खोज हुई तब तक ये कीटाणु जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे ठीक है पहले अमेरिका पूरी दुनिया के देशों से अलग थलग होकर रह रहा था जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वे अपने साथ चेचक के जीवाणु भी लेके गए इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए किस तरीके से करी अमेरिकी पर यूरोपियों ने जीत हासिल अमेरिका पहले दुनिया से अलग थलग था ठीक है वो इस बीमारी से भी परिचित नहीं था लेकिन जैसे ही अमेरिका की खोज हुई और यूरोपियों का आवागमन वहाँ पर बढ़ा तो अमेरिका पर विजय पाने के लिए यूरोपियो ने चेचक बीमारी का सहारा लिया उनके साथ वो चेचक के कीटाणु भी पहुंचे और अमेरिका के लोग जो है उस बीमारी के प्रति उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी तो उस वो बीमारी से नहीं लड़ पाए ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई तो अमेरिका के कुछ भागों में जो है चेचक ने पूरी की पूरी आबादी साफ कर दी थी और इस तरीके से यूरोपियन जो है आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल करके ले गए थे क्लियर हो गई इतनी बात कि किस तरीके से किस तरीके से व्यापार के माध्यम से जो है व्यापार करने के लिए यूरोपीय जो है अमेरिका है वहां के अपार खनिज संसाधन और अनाज को देखते हुए और अपने साथ बीमारी लेके आए और अमेरिका जैसे विशाल देश पर जो है उन्हें एक बीमारी के जरिए विजय प्राप्त करी तो ये हुई किसकी बात विजय व्यापार और बीमारी की यात्रा की बात होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए तो आगे देखते हैं यूरोप के बारे में कुछ समस्या जान लेते हैं कि उस दौरान यूरोप किन किन समस्याओं से गुजर रहा था तो यूरोप में कुछ अपन समस्याओं की बात करें तो उन्नीसवीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी जैसे कि गरीबी बीमारी धार्मिक टकराव धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग जो है सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे कि अगर गलती से यूरोप में धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उनको सजा मिलेगी तो उस डर से लोग कहाँ भाग गए थे कहाँ पलायन कर गए थे अमेरिका की तरफ पलायन कर गए थे उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई क्योंकि अमेरिका जो है उस समय खनिज संसाधनों से और अनाज से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था उसके बाद हम देखें कि 18वीं सदी तक भारत और चीन की क्या हालत थी भारत और तो चीन 18वीं सदी तक किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे तो चलिए जानते हैं 18वीं सदी तक भारत और चीन जो है दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे दुनिया के सबसे धनी देश 18वीं शताब्दी तक कौन हुआ करता था भारत और चीन लेकिन पंद्रहवीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था यानी कि चीन ने बाहरी दुनिया से अपने संपर्क जो है रोक दिए थे कब से पंद्रहवीं शताब्दी से और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था ठीक है चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण ठीक है चीन ने क्या किया था कि चीन ने <coughs> बाकी के विश्व से जो है पंद्रहवीं शताब्दी से अपने संपर्क तोड़ लिए थे यानी कि वो अपने में ही रहने लगा था और पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान ही जब किसकी खोज हुई अमेरिका की खोज हुई तो अमेरिका जो पंद्रहवीं शताब्दी के पहले तक जो है अलग रहता था पूरे विश्व से अलग रहता था उसके संपर्क जो है पूरे विश्व से स्थापित होने लगे थे तो चीन के घटते प्रवाह प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा ठीक है चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण जो विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु जो है यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था क्लियर होगी इतनी बातें आगे देखें 19वीं सदी की अब हम बात करें ठीक है 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी इस अवधि में जो है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ रही थी आवागमन तेजी से बना हुआ था तो इस दौरान जो है इस अवधि में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही बड़े बदलाव हुए थे और उन बदलावों की वजह से ही विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में जो है अभूतपूर्व बदलाव आए थे <coughs> तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में वो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं एक होता है पहला प्रवाह होता है व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का ठीक है उसके बाद दूसरा प्रवाह माना है श्रम का प्रवाह माना है श्रम का प्रवाह कौन सा है काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है श्रम का प्रभाव हो रहा है तीसरा प्रवाह देखें हम तीसरा प्रवाह देखें तो तीसरा प्रवाह है पूंजी का प्रवाह जो कि अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करना क्या कहलाएगा पूंजी का प्रवाह कहलाएगा यानी कि एक देश जब दूसरे देश में जो है अः कुछ मात्रा में निवेश कर रहा है अपनी पूंजी लगा रहा है ठीक है पूंजी क्यों लगा रहा है निवेश क्यों कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाए तो तीन चीजों का प्रवाह हमें देखने को आता है एक आता है व्यापार का प्रवाह व्यापार में भी मुख्य वस्तुएं वस्तु 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 उस समय कौन कौन सी थी मुख्य वस्तुएं वस्तु थी कपड़ा और गेहूं ठीक है उसके बाद दूसरे प्रवाह की बात करें तो दूसरा प्रवाह था किस चीज का श्रम का प्रवाह था तीसरे प्रवाह की बात करें तो तीसरा प्रवाह जो है पूंजी का प्रवाह था क्लियर हो गई इतनी बात तो किस-किस का प्रवाह व्यापार श्रम और पूंजी का प्रवाह तीन बातें क्लियर हो गई आगे देखें तो 19वीं सदी में हमने क्या देखा था आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार और इसको रिवाइज कर लें कि 19वीं सदी में जो है समस्त विश्व में जो है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और तकनीकी रूप से बहुत बड़े हमें बदलाव देखने को नजर आते हैं और वो बदलाव बदलाव जो है किन चीजों से हुए <coughs> वो बदलाव हमें व्यापार के प्रवाह श्रम के प्रवाह और पूंजी के प्रवाह के फलस्वरूप देखने को मिलते हैं क्लियर हो गई इतनी बातें अब आगे बढ़ते हैं <coughs> विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है अब इन चीजों का प्रवाह हो चुका है व्यापार का श्रम का पूंजी का समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। समस्त विश्व में राजनीतिक सामाजिक आर्थ, आर्थिक और तकनीकी जो है बदलाव हमें नजर आ रहे हैं अब इन सभी के फलस्वरूप जो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है अब देखें हम तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में क्या था कॉर्न लॉ था ठीक है तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कौन सी चीजें जो भी पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ी कौन कौन सी चीजें व्यापार श्रम और पूंजी इन तीनों चीजों का प्रवाह ठीक है अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो आगे की सारी बातें आपको आसानी से समझ में आती जाएगी तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है तो इन तीनों को समझने के लिए हम सबसे पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में क्या था कॉर्न लॉ था कॉर्न यानी कि मक्का अब कॉर्न लॉ क्या था ठीक है उसके बारे में जान लेते थे कॉर्न <coughs> लॉ यानी कि मक्का कानून या कॉर्न नियम तो जानते हैं इसके बारे में <coughs> कॉर्न लॉ वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी यानी कि अब ब्रिटेन में कोई भी मक्का का आयात नहीं कर सकता है क्या था कॉर्न लॉ कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी उसके बाद देखें कि कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में भी वृद्धि हो गई ठीक है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उतनी जनसंख्या के हिसाब से जो है भोजन की वृद्धि की भोजन की मांग में भी वृद्धि होगी उसके बाद देखें कि भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई ठीक है भोजन की मांग जब बढ़ेगी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि होगी भोजन की पूर्ति कैसे होगी कृषि से होगी खेती से होगी फसल कहां हो खेतों में ठीक है तो भोजन की जो डिमांड है वो कैसे पूरी होगी खेती के माध्यम से फसल के माध्यम से कृषि के माध्यम से तो पहले तो क्या हुआ कि कॉर्न लॉ जो है लगा दिया उसके तहत क्या हुआ कि दूसरे देशों से अब ब्रिटेन में कॉर्न यानी कि मक्का का आयात नहीं किया जा सकता कुछ दिन बाद ब्रिटेन की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई जनसंख्या बढ़ने से भोजन की मांग में वृद्धि हुई भोजन की मांग में वृद्धि होने से क्या हुआ कि कृषि आधारित सामानों में भी भारी वृद्धि देखने को मिलती है फिर देखें कि इससे पहले ब्रिटेन में जो है इससे पहले की ब्रिटेन में आती सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ चुकी थी ब्रिटेन में भोजन की डिमांड बढ़ चुकी थी तो कृषि आधारित उत्पाद में भी वृद्धि हो चुकी थी अब भाई इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अगर आप सिर्फ अपने देश पर डिपेंड रहते हैं तो क्या एक देश इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण उसके भोजन की मांग को पूरा कर सकता है क्या एक देश अपने पूरी जनसंख्या का पेट अकेले भर सकता है नहीं और ब्रिटेन ने क्या किया था कि भाई कॉर्न लॉ लगा दिया था जिसके तहत दूसरे देशों से मक्का जो है उस देश में नहीं आ सकता था अब क्या स्थिति पैदा होने वाली थी जनसंख्या के बढ़ने से और खाद्य पदार्थों की डिमांड पूरी ना कर पाने से कि किसी भी समय भुखमरी और गरीबी की स्थिति पैदा हो सकती थी तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती सरकार ने जो है कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया यानी कि कॉर्न लॉ को समाप्त करने से क्या होगा कि अब दूसरे देशों से जो है कॉर्न यानी कि मक्का आयात हो सकेगा ठीक है अब देखें कि जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया ठीक है तो अब जब कॉर्न लॉ खत्म हो गया आयात होने लगा तो अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का क्या किया निर्यात किया उसके बाद देखें कि भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा अब भोजन की जो कमी उस समय हो रही थी जनसंख्या वृद्धि होने से तो कॉर्न लॉ खत्म होने से आयात बढ़ने लगा आयात बढ़ने लगा तो भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा इतनी बातें क्लियर हो गई कॉर्न लॉ के बारे में चलिए तो अब बढ़े आगे आ जाओ <coughs> कॉर्न लॉ के समय की बात करें कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ कॉर्न लॉ के बाद क्या हुआ यहां से आपको और अच्छे से शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ जब कॉर्न लॉ था यानी कि जब मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटेन की सरकार ने तो भोजन की मांग बढ़ी जनसंख्या बढ़ी और भोजन के दाम बढ़े ठीक है अब भाई डिमांड <coughs> बढ़ रही है और सप्लाई हो नहीं रही तो महंगाई तो होगी ही ठीक है अब भोजन की मांग बढ़ी जनसंख्या बढ़ी लेकिन भोजन है नहीं उतना ठीक है क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा भोजन के दाम तो बढ़ेंगे ही ठीक है महंगाई तो बढ़ेगी अब कॉर्न लॉ हटाने के बाद ठीक है जब कॉर्न लॉ हटा दिया कॉर्न लॉ हटा दिया तो क्या हुआ व्यापार में वृद्धि विकास तेज होने लगा भोजन का अधिक भंडार होने लगा ठीक है हो गई बात क्लियर कि कॉर्न लॉ के समय क्या बात थी जब कॉर्न लॉ था और कॉर्न लॉ हटा दिया तो क्या हमें स्थिति देखने को मिलती है उसके बाद हम आगे बढ़े <coughs> तकनीक का योगदान <coughs> विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक का योगदान 19वीं शताब्दी के दौरान किस तरीके से था इसको भी जान लेते हैं तो इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई थी इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं रेलवे स्टीमशिप और टेलीग्राफ कौन-कौन सी खोज हुई थी उस समय रेलवे स्टीमशिप और टेलीग्राफ ये तीन जो थे उस समय के महत्वपूर्ण साधन थे जिसके जरिए विश्व अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा मिला विश्व अर्थव्यवस्था में इन तीन चीजों ने टेक्निकली इन तीन, तीन तकनीकी चीजों ने जो है बहुत ज्यादा योगदान दिया था अब देखें रेलवे ने क्या योगदान दिया रेलवे ने जो है बंदरगाहों और आंतरिक भूभाग को आपस में जोड़ दिया यानी कि बंदरगाहों से जो भूभागों की तरफ खेत खलिहानों की तरफ जो भी माल का आयात निर्यात होना था वो किसके माध्यम से होने लगा रेलवे के माध्यम से होने लगा उसके बाद स्टीम शिप, स्टीमशिप स्टीमशिप का योगदान देखें, भाप इंजन ठीक है स्टीमशिप यानी कि भाप इंजन <coughs> स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया यानी कि स्टीम शिप के जरिए भाप के जहाज के जरिए जो है जल मार्ग से व्यापार स्थापित करना जो है व्यापार करना आसान हो गया उसके बाद हम देखें टेलीग्राफ तीसरी और महत्वपूर्ण खोज तकनीकी युग के दौरान की तो टे टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगे ठीक है तो तीन चीजों का योगदान विश्व अर्थव्यवस्था में किस तरीके से होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब आगे देखा जाए आगे बढ़े यहाँ पे आप देखें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण को आप यहाँ पे देखें इस चित्र को ध्यान से देखें और इसको भी आप पढ़ें। उससे एक चीज और समझ में आएगी मास को अलेक्सांड्रा जलपोत पर लादा जा रहा है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1878 की यह न्यूज है मास का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा करने की व्यवस्था करी गई पहले क्या होता था कि मांस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पहले क्या होता था कि सीधे जिंदा जानवरों को ही भेजा जा रहा है तो अब जिंदा जानवरों को रखने में ज़्यादा जगह की भी जरूरत होती थी साथ ही साथ कुछ जानवर बीच में ही मर जाते थे और कुछ जो है जो मर गए वो सड़ भी जाते थे या फिर मांस भेजा भी जा रहा है यानी कि मरे हुए जानवर भेजे जा रहे हैं तो उनका मांस जो है बीच में ही खराब हो जाता था यानी कि फिर उपयोग के लायक नहीं बचता था तो फिर नई तकनीक लाई गई रेफ्रिजरेटर की यानी कि फ्रिज की तो उसके जरिए जो है रेफ्रिजरेटर की जो तकनीक है रेफ्रिजरेटर है फ्रिज है जो है जहाजों में लगा दिए गए और उनमें जो है मांस रख के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था तो यही इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मांस को जो है जहाज पर चढ़ाया जा रहा है ठीक है इस जहाज में जो रेफ्रिजरेटर लगे हैं जो फ्रिज लगे हैं वो जो है मांस को सुरक्षित दूसरी जगह पर पहुंचा देंगे जिससे नुकसान भी नहीं होगा ठीक है इतनी बातें क्लियर हो अब तकनीक के योगदान के बाद अब हम जानेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे ठीक है कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस तरीके से होता है एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा ठीक है अब यूरोप ने जो है अपना व्यापार फैलाने के लिए जहां उसको संभावनाएं दिखीं कि हमें यहां पे इस देश में कम लागत पर जो है अच्छा माल मिल सकता है और उस माल के द्वारा या उस कच्चे माल के द्वारा जो है हम अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं और अपने देश में उत्पादन करके उस माल को जो है हम अन्य जगह भेजेंगे उस उत्पाद को उस प्रोडक्ट को हम अन्य जगह बड़ी कीमतों पर ऊंची कीमतों पर भेजेंगे और वहाँ जाके जब वो माल बिकेगा तो हमें जो है दो गुना लाभ होगा ठीक है तो एक तरफ जहाँ पर यूरोप के लोगों की जिंदगी व्यापार के फैलने से बेहतर हो गई तो वहीं दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा उपनिवेश के लोग यानी कि जिन पर यूरोप ने अपना कब्जा जमा के रखा था जहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा था उपयोग कर रहा था कौन यूरोप ठीक है <स्थ> अब अफ्रीका की बात करें जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है ऐसा लगता है कि जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच ली हो अब इस बात को समझने के लिए आप नक्शे पे ध्यान दें जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से देखना ठीक है <coughs> यहाँ पे आप देखें बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पे आपको दिख रही है यहाँ पे आपको सीधी रेखा दिख रही है ठीक है इस रेखा पे इस क्षेत्र पर जो आप देखें क्या लिखा है फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका यानी कि फ्रांस का यहाँ पे औपनिवेशिक शासन स्थापित हो चुका है इसके बाद यहाँ पे देखें आंग्ल मिस्र सूडान यानी कि अंग्रेजों का सुडान के क्षेत्र पर जो है औपनिवेशिक शासन स्थापित हो चुका है ठीक है उसके बाद हम देखें यहाँ पे आप देखें यहां भी आपको सीधी रेखा दिख रही है अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया है इसके बाद आप देखें इतावली यानी कि इटालियन सोमाली लैंड यहाँ पर इटली ने इस रेखा पर सीधा सीधा कब्जा कर लिया है यहाँ पे आप देखें ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका यहाँ पे देखें जर्मन पूर्वी अफ्रीका पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका फिर यहां पे आप देखें स्पेनिश सहारा स्पेनिश मोरक्को ये सब क्या है फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका फ्रेंच सूडान भाई इन सबके के आगे स्पेनिश सूडान सॉरी स्पेनिश फ्रांस या ब्रिटिश ये सब नाम क्यों लिखे हैं इटली ये सब नाम क्यों लिखे हैं क्योंकि इन सब यूरोपीय देशों ने जो है उन जगह पे अफ्रीका के उन स्थानों पे अपना कब्जा जमा लिया है अपना अपने बेशक शासन स्थापित कर लिया है हम किस बारे में बात कर रहे हैं उन्नीसवीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद कैसे फैला ठीक है तो अठारह <coughs> में यूरोप की बड़ी शक्तियाँ बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट लिया यूरोप की बड़ी शक्तियाँ बर्लिन में मिली जर्मनी का एक शहर है बर्लिन और वहाँ पर मिली और अफ्रीका महाद्वीप को जो है आपस में बांट लिया कि ये क्षेत्र आपका ये क्षेत्र आपका ये क्षेत्र हमारा इस तरीके से इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई उन्होंने बिल्कुल सीधे तरीके से बांट लिया कि यहां से यहां तक का अफ्रीका का क्षेत्र हमारा यहां से यहां तक का आपका यहां से यहाँ तक का उसका ठीक है अफ्रीका को ही सबसे पहले टारगेट इन्होंने क्यों बनाया क्योंकि अफ्रीका में जो है अपार खनिज संसाधन थे अपार प्राकृतिक संसाधन थे अफ्रीका के लोग किसी की मजदूरी नहीं करते थे किसी की नौकरी नहीं करते थे क्योंकि हर अफ्रीकी के पास अपनी खेती किसानी और अपने पशु अपने मवेशी होते थे जो उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त होते थे ठीक है तो अफ्रीका के अपार खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को देखते हुए जो है यूरोपीय औपनिवेशिक शासन वहां पर स्थापित हुआ क्लियर हो गई ये बात चलिए तो बढ़ते हैं आगे आ जाओ <coughs> अब हम देखें रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग एक बीमारी की और बात करें पहले तो क्या हुआ था पहले यूरोपियों ने अमेरिका में चेचक बीमारी फैलाई थी ठीक है अब हम रिंडर पेस्ट बीमारी की बात करें तो रिंडर पेस्ट था मवेशी प्लेग यानी कि पशुओं में फैलने वाला प्लेग था ये रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता था तो रिंडर पेस्ट जो है प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी यानी कि ये बीमारी पशुओं में होती थी वह बीमारी अठारह ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली ठीक है कहाँ फैली अफ्रीका में अब अफ्रीका के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था मवेशी थे अब वहां पर मवेशियों में पशुओं में ये बीमारी फैल जाएगी तो उनकी आजीविका के साधन खत्म हो जाएंगे ठीक है अब रिंडर पेस्ट का प्रकोप किस तरीके से होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं <coughs> रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लेके आए थे ठीक है घोड़ों के जरिए फैली ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे ठीक है किसके किसके लिए वो घोड़े लाए गए थे इटालियन सैनिकों के लिए लाए गए थे जो कि पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे और उन्हीं घोड़ों के जरिए रेंडरपेस्ट बीमारी जो है वहां के बाकी मवेशियों में फैली <coughs> इसके बाद हम आगे देखें पेस्ट जो है पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई अठारह के आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी और इस दौरान पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा साफ कर दिया कितना अफ्रीका के मवेशियों का 90 प्रतिशत हिस्सा यानी कि ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा अफ्रीका के सारे मवेशी जो है मौत की नींद में सो गए थे किस बीमारी से रिंडरपेस्ट बीमारी से अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोज़ी रोटी पर खतरा क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का साधन कौन थे मवेशी ही थे अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था अब वो जहाँ की अफ्रीका के लोग जो है खुद के खेत खलियान खुद के पशुओं खुद के मवेशियों पर आजीविका के लिए निर्भर थे अब वो किस पे आ गए <coughs> अब वो अपनी आजीविका के लिए खानों और बाग़ानों में मजदूरी करने के लिए आ गए क्योंकि उनके पास और दूसरा कोई अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए ऑप्शन नहीं बचा था इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद करी तो मवेशियों के जरिए मवेशियों की बीमारी के जरिए मवेशी वहाँ के अफ्रीका के मवेशियों को ख़त्म करके उन्डर पेस्ट बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद करी ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई किस तरीके से अफ्रीका के लोगों को इन्होंने यूरोपियन ने अपने अंडर में काम करने के लिए मजबूर करा ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आगे <coughs> अब हम देखें कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना एग्रीमेंट के तहत भारत से श्रमिकों को दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजा जा रहा था कैसे अनुबंधित श्रमिक यानी कि बंधुआ मजदूर उसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं <coughs> वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं बधुआ मजदूर कहलाते हैं और उस मालिक के लिए वो हमेशा काम करते हैं ठीक है अब देखें हम ये बंधुआ मजदूर अनुबंधित श्रमिक जो है कहां कहां से जा रहे थे भारत के किन किन हिस्सों से जा रहे थे आधुनिक बिहार उत्तर प्रदेश मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग जो है बंधुआ मजदूर बनकर गए इन लोगों को मुख्य रूप से कहां कहां पहुंचाया गया कैरेबियन आइलैंड मॉरिशस और फिजी भेजा गया कई को सीलोन और मलाया भी भेजा गया था भारत में कई बंधुआ मजदूरों को जो है असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया था <coughs> तो अनुबंधित श्रमिक या बंधुआ मजदूरों का भारत के वर्तमान बिहार उत्तर प्रदेश मध्य भारत और तमिलनाडु के कई सूखाग्रस्त इलाकों से गरीब मजदूरों का, का जो है दूसरे देशों की तरफ पलायन हुआ किन देशों की तरफ कैरेबियन आईलैंड और मलाया भी भेजा गया और भारत के कई बधुआ मजदूरों को जो है असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भेजा गया उसके बाद देखें एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे बधुआ मजदूर को दूसरे देश में भेजने के किस तरीके के वादे करते थे कि अनुबंधित श्रमिकों को जिन अनुबंधित श्रमिकों को जो है दूसरे देशों में भेजा जा रहा है इन मजदूरों को यह भी पता नहीं होता था कि वे कहां जा रहे हैं और किस तरीके से भेजता भेजा जाता था कि आप अगर यहाँ पे पांच साल लगातार काम करते हैं तो आपको अपने स्वदेश भेज दिया जाएगा आपको अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा और इन मजदूरों को यह भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी उनके पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था 1900 दशक 1900 के दशक से भारत के राष्ट्रवादी लोग बधुआ मजदूर सिस्टम का विरोध करने लगे थे और इस सिस्टम को 1921 में जो है समाप्त कर दिया गया था तो इस तरीके से जो है भारत से अनुबंधित श्रमिकों के कई अनुबंधित श्रमिकों को कई अन्य देशों में काम करने के लिए भेजा गया था और उन मजदूरों को यह भी नहीं पता होता था कि उन्हें किस देश में भेजा जा रहा है उन्हें किस तरीके का, का काम करना पड़ेगा और उस देश में जाने के बाद उनके पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होते थे फिर उसके बाद इस कुप्रथा को देखते हुए इस बुराई को देखते हुए 1900 के दशक से भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध किया और इस सिस्टम को जो है अनुबंधित श्रमिकों का जो सिस्टम था बंधुआ मजदूरी का जो सिस्टम था उसको 1921 में खत्म कर दिया गया जैसे कि यहाँ पे आप देखें <coughs> ये इमेज आपको दिखा रही है त्रिनिदाद के कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया मजदूर यानी कि अनुबंधित श्रमिक या बंधुआ मजदूर जो है जो सौ 1900 सौ सदी का प्रारंभ माना जाता था तब ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई अब बढ़ते हैं आगे विदेशों में भारतीय उद्यमी इसके बारे में अब जान लेते हैं भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में पुरी श्रॉफ और नटू कोट चेट्टियार का नाम आता है वे दक्षिणी केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था उसके बाद देखें कि भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे ठीक है विदेशों में भारतीय उद्यमी की बात कर रहे हैं तो भारत के व्यवसायी और महाजन जो है उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशियों से भी आगे निकल गए थे 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे यानी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ <coughs> दूसरे देश जो है अपने देश पर या कई अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करे थे ठीक है हमारे देश के व्यापारी भी जो है दूसरे देशों में जाके काम करने लगे थे और अपना बड़ा बड़ा व्यापार स्थापित करने लगे थे औपनिवेशिक शासन तो स्थापित नहीं किया था क्योंकि पूरा देश नहीं लगा था उस चीज को करने में हमारे यहाँ के कुछ ही व्यापारी जो है अपना वहां पर व्यापार स्थापित करना चाहते थे और कई सफल व्यापारी भी ऐसे हुए जिन्होंने बड़े स्तर पर वहां पर अपना व्यापार स्थापित किया था ठीक है तो ये अपन किस चीज की बात करे, कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं विदेशों में भारतीय उद्यमी की बात कर रहे हैं अब हम देखें भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक व्यवसाय इसके बारे में देख लेते हैं कौन सी तीन बातें हैं भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था तो भारत से उमदा कॉटन के कपड़े क्योंकि यहाँ पे <coughs> कॉटन यानी कि सूती वस्त्र जो है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था तो भारत से उमदा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात हो रहे थे लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया किसने किया और किस लिए औद्योगिकीकरण के बाद जो है स्थानीय ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने को बाध्य किया यानी कि ब्रिटेन के ही जो कॉटन उत्पादक थे ठीक है जो सूती वस्त्रों का उत्पादन करते थे कॉटन का उत्पादन करते थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कपड़ों पर कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य कर दिया था जब ब्रिटिश सरकार के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ औद्योगिकीकरण हुआ तो ब्रिटेन के जो स्थानीय उत्पादक थे उन्होंने भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया तो ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में में भार। भारी मात्रा में आने लगे थे ठीक है यानी कि अब ब्रिटेन में ही उत्पादन होगा ब्रिटेन में ही कपड़े बनेंगे तो अब ब्रिटेन के कपड़े जो है भारतीय बाजारों में आएंगे पहले क्या हो रहा था पहले भारत के सूती वस्त्र जो है भारत के सूती वस्त्र कहां जा रहे थे ब्रिटेन में जा रहे थे 1800 में भारत के निर्यात में 30 प्रतिशत हिस्सा निर्यात में यानी कि भारत जब दूसरे देश को माल भेज रहा है तो भारत के निर्यात में 30 प्रतिशत हिस्सा कॉटन के कपड़ों का हुआ करता था और 1815 में यह गिरकर कितना हो गया 15 प्रतिशत हो गया कितना हो गया 15 प्रतिशत हो गया ठीक है तक 30 प्रतिशत था लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण जो है ब्रिटेन के जो कॉटन उत्पादक थे सूती वस्त्र को उत्पादन करने वाले लोग थे उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को बाध्य किया कि अब भारत से जो है कपड़ा नहीं आएगा हम यही उत्पादन कर रहे हैं यही कपड़ा बनाएंगे और भारत के बाजारों में बेचेंगे तो उस औद्योगिकीकरण के कारण जो है भारत का निर्यात जो 30 प्रतिशत था कॉटन के कपड़ों का 1800 तक अब वो कितना हो गया अब वो हो गया था 15 प्रतिशत निर्यात हो गया था घटके और 1870 तक आते आते यह सिर्फ तीन प्रतिशत ही बचा था लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात पांच प्रतिशत से बढ़कर पैंतीस प्रतिशत हो गया था ठीक है भारत से निर्मित कपड़ों पर भारत के कॉटन के कपड़े जो यहीं बनाए जाते थे उनका निर्यात खत्म हो गया लेकिन भारत का जो कच्चा माल था कच्चा कॉटन था वो भेजा जाने लगा था और वो कच्चे माल का प्रयोग करके भारत के कच्चे कॉटन का उपयोग करके ब्रिटेन में कपड़ों का उत्पादन शुरू हुआ था ब्रिटेन के कपड़े यहाँ आने लगे थे तो भारत का अपन ने इस पॉइंट में क्या देखा कि भारत के जो कॉटन के कपड़े पहले निर्यात में तीस था फिर वो पंद्रह हुआ फिर वो तीन हुआ और लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात जो 5 प्रतिशत से बढ़कर कितना हो गया 35 प्रतिशत हो गया यानी कि कच्चे कॉटन का निर्यात बढ़ गया इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील यानी कि इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी मानी जाती है क्लियर हो गई ये बात नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर किया था <coughs> किसको यहाँ के खेती हर किसानों को तो यहां नील का उत्पादन होता था और नील का जो उत्पादन होता था उसको जो है दूसरे देशों में भेजा जाता था यानी कि ब्रिटेन में भेजा जाता था ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई चलिए आगे बढ़े <coughs> तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम भारत से सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया जाता था अफीम निर्यात किया जाता था और जो मुख्य रूप से कहाँ जाता था मुख्य रूप से चीन की ओर जाता था आगे देखें कि भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा ठीक है भारत से ब्रिटेन को क्या जाने लगा कच्चा माल जाने लगा और अनाज का निर्यात भी बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा यानी कि भारत से कच्चा माल जाएगा और ब्रिटेन से तैयार माल भारत आएगा दुगनी कीमत पर ठीक है इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ब्रिटेन के फेवर में था यानी कि भारत के बाजार को घाटा होने लगा भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था और भारत में रहने वाले भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था ठीक है भारत के बाहरी कर्जे की भारपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन खर्चा भी होम चार्ज के अंतर्गत ही आता था यानी कि ब्रिटिशर्स पर ब्रिटिशर्स के ऑफिसर पर जो भी खर्चा हो रहा है वो किसको देना होगा वो देना होगा भारत को और उसको क्या नाम दिया था इन्होंने उसको नाम दिया था इन्होंने होम चार्ज ठीक है तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन ने धीरे धीरे भारत के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने देशों में उद्योग स्थापित करे अपने देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया चीजों का निर्माण किया भारत के कच्चे माल का उपयोग करके और अपने देश में उत्पादन करके उस तैयार माल को भारत दुगनी कीमत पर भेजने लगे और यहाँ पे जो ब्रिटिश के जो भी अधिकारी थे जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनका खर्चा होम चार्ज के तहत कौन देगा भाई वो देगा भारत देगा ठीक है तो इस तरीके से जो है इन्होंने धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था को कुचलने का प्रयास किया था <coughs> अब देखें हम महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को देखें ठीक है महायुद्ध यानी कि कौन कौन से दो विश्व युद्धों की बात करें एक विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उन्नीस से उन्नीस तक तो महायुद्धों के बीच किस तरीके की अर्थव्यवस्था हमें पूरे देश की देखने को मिलती है उस बारे में भी जान लेते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहा लड़ा गया यूरोप में लड़ा गया था ठीक है इस समय इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक दयनीय युद्ध का अनुभव किया था दुनिया में उस विश्व युद्ध के दौरान जो है आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे करोड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध जो है दो गुटों के बीच लड़ा गया था कौन-कौन से दो गुट थे तो एक पर सहयोगी थे ब्रिटेन फ्रांस रूस और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था और विपरीत दिशा में यानी कि दूसरी तरफ विपक्ष में कौन था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन और तुर्की थे ठीक है यह युद्ध जो है कब तक चला यह युद्ध चार वर्षों तक चला लगभग ठीक है <laughs> चार से पांच वर्षों तक चला था उसके बाद देखें <coughs> युद्धकालीन रूपांतरण युद्ध तो शुरू हो गया दो खेमों के बीच युद्ध लड़ा गया है एक तरफ मित्र राष्ट्र राष्ट्र है एक तरफ धुरी है अब युद्धकालीन रूपांतरण किस तरीके से देखने को मिलते हैं यानी कि जब युद्ध चल रहा है युद्ध के समय कौन कौन से परिवर्तन कौन कौन से चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं तो युद्धकालीन रूपांतरण पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर के रख दिया था लगभग नब्बे लाख लोग यानी कि एक करोड़ में दस कम दस लाख कम नब्बे लाख लोग मारे गए और दो करोड़ लोग घायल हो गए थे उसके बाद देखें कि मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है ठीक है के सुम्र के थे यानी कि युवा वर्ग था जो कि आर्थिक उत्पादन करता है आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहता है आसान से शब्दों में कहा जाए तो पैसा कमाता है तो मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज्यादातर लोग के सुम्र के थे कि जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई यानी कि यूरोप में जो काम करने लायक व्यक्ति थे जो आर्थिक गतिविधियों <coughs> तो ऐसे लोगों की ऐसे कामगारों की यूरोप में बहुत ज्यादा कमी आ गई परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई ठीक है अब <coughs> जहां सॉरी जहां यूरोप पूरे विश्व में औपनिवेशिक शासन को फैलाए हुए था ठीक है अपने हर देश का शासन जो है अन्य देशों पर जमाए हुए था वही यूरोप में विश्व युद्ध के दौरान जो है घर घर में आर्थिक गतिविधियों को चलाने वाले व्यक्तियों की ही कमी हो गई थी तो इस वजह से पूरे यूरोप में जो है कमाने वालों की संख्या कम होने के कारण लोगों की क्या घट गई लोगों की आमदनी घट गई थी ठीक है अब यहाँ पे एक आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक फैक्ट्री में काम करते लोग हथियार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर नजर आ रहे हैं युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ ठीक है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है तेजी से कई संख्या में भारी मात्रा में हथियारों का उत्पादन किया गया फैक्ट्री की फैक्ट्रियां बनाई गई यहां पे आप देख रहे होंगे कई सारी संख्या में मजदूर जो है हथियारों के उत्पादन में लगे हैं और कई सारी संख्या में जो है हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है उसके बाद हम देखें <coughs> ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा ठीक है मजबूरन उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तो घर की महिलाएं जो है कारखानों में काम करने लगी जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं करने लगी थी इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए थे दुनिया की जो बड़ी आर्थिक शक्तियां थी जो एक दूसरे से संबंधित स्थापित करी थी आपस में आर्थिक संबंधों के जरिए जुड़ी थी तो युद्ध के कारण दुनिया के जो बड़े देश थे जो आर्थिक रूप से आर्थिक संबंधों के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे उनके बीच जो है संबंध टूट गए ब्रिटेन को <coughs> युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा था ब्रिटेन को किससे कर्जा लेना पड़ा था ब्रिटेन को जो है युद्ध का खर्चा उठाने के लिए अमेरिका से उल्टा कर्जा लेना पड़ा था ठीक है इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतरराष्ट्रीय कर्जदार से साहूकार यानी कि कर्जदाता बना दिया था ठीक है जो कि अमेरिका पहले उतना संपन्न नहीं था अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और तमाम सुविधाओं के लिए दूसरे देशों से कर्जा लेता था अब जबकि ब्रिटेन में यानी कि यूरोप में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पे भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया था तो युद्ध के खर्चे चलाने के लिए अब ब्रिटेन जो है यूरोप जो है किससे कर्जा ले रहा है किससे कर्जा ले रहा है अमेरिका से कर्जा ले रहा है तो जहां पे अमेरिका पहले कई सारे देशों का कर्जदार बना हुआ था यानी कि अमेरिका को उल्टा दूसरे देशों का कर्जा चुकाना था वहीं अमेरिका क्या बन गया कर्जदार बन गया कर्जदाता बन गया था ठीक है यानी कि अंतरराष्ट्रीय साहूकार बन गया था अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना में अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी ठीक है यानी कि अब अमेरिकी की संप, अमेरिकी लोगों की संपदा धीरे धीरे जो है ज्यादा बढ़ने लगी थी आगे देखें युद्धोत्तर सुधार की बात करें यह तो बात गई युद्धकालीन रूपांतरण की यानी कि युद्ध के दौरान किस तरीके के हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं अब हम देखेंगे युद्ध के बाद क्या क्या सुधार करेगा युद्धोत्तर सुधारों की बात करते हैं जब जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में व्यस्त था जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास होने लगा ठीक है युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी जहां ब्रिटिश उपनिवेशी ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन हर एक देश में फैला हुआ था तो पहले किसका दबदबा था विश्व युद्ध के पहले पूरे ब्रिटेन ने अपने विश्व में दबदबा फैला के रखा था वहीं युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम रखने में परेशानी होने लगी थी जहां ब्रिटेन पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे था औद्योगिकीकरण में आगे था वहीं अब उस दौरान युद्ध के दौरान जो है भारत और जापान में उद्योगों का विकास होने लगा था साथ ही ब्रिटेन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ब्रिटेन जो है जापान से टक्कर नहीं ले पा रहा था युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा चढ़ चुका था ठीक है क्योंकि अमेरिका से इसने युद्ध के दौरान कर्जा लिया था अब देखें <coughs> युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई थी ठीक है चीजों की मांग में तेजी आई थी क्योंकि वहां संसाधन कम होने लगे थे जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आ गई थी युद्ध के समय हम बात करें तो ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई थी जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी लेकिन युद्ध के बाद जहां ब्रिटेन खुद दूसरे देशों का कर्जदार बन गया था तो युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में जो है मांग में भी गिरावट आई क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था तो वो क्या मांगता क्या चीज़? किन चीजों का उपभोग करता क्या खरीदता ठीक है उसके बाद हम देखें युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20 प्रतिशत कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था लोगों के रोजगार छिन गए थे युद्ध के पहले युद्ध के पहले की बात करें फिर युद्ध के बाद का कंपैरिजन करेंगे युद्ध के पहले से तो युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप जो है गेहूं का मुख्य निर्यातक था क्योंकि पूर्वी यूरोप में गेहूं जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता था और बहुत ज़्यादा होता था लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे अब पूर्वी यूरोप जो है युद्ध में शामिल हो गया ठीक है तो उसकी वजह से कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभर चुके थे पहले जहां युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप जो है सबसे ज्यादा निर्यातक था गेहूं का वहीं युद्ध में शामिल हो जाने के बाद जो है कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया युद्ध के मुख्य निर्यातक के रूप में नए देशों के रूप में उभर के आए थे जैसे ही युद्ध खत्म हुआ पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी इसके इसके कारण कारण क्या होता है भाई? बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई यानी कि कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया निर्यातक के रूप में उभर के आ गए थे साथ ही साथ युद्ध खत्म होते ही ब्रिटेन फिर से गेहूं का निर्यात करने लगा अब हर तरफ गेहूं ही गेहूं दिख रहा है ठीक है तो इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई यानी कि अधिक ज्यादा मात्रा में बाजारों में गेहूं दिखाई देने लगा और कीमतों में गिरावट हुई अब भाई सप्लाई ज्यादा है मांग कम है तो कीमतें गिर जाएंगी ठीक है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई थी ठीक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्यों क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है खेती के संसाधन होते हैं खेती करी जाती है तो जहां चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिखाई दिया तो उस वजह से उस वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है तबाही आ गई क्योंकि गेहूं की, की कीमतें गिर गई क्यों गिर गई क्योंकि अब सप्लाई ज्यादा होने लगी थी चारों तरफ से होने लगी थी अब देखें बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग ठीक है युद्ध के बाद की बात चल रही है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत को हम देखें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में <coughs> युद्ध के बाद के झटकों ज़, से तेजी से निजात मिलने लगी थी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई थी फोर्ड मोटर का नाम आप सभी ने सुना होगा फोर्ड की जो कारें आती हैं फोर्ड कंपनी की वो अमेरिका की ही होती हैं। यानी कि फोर्ड एक अमेरिकी कार निर्माता कंपनी है तो फोर्ड मोटर के संस्थापक जो थे हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं ठीक है थीके? मास प्रोडक्शन यानी कि बल्क में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें भी घटी अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होने लगे इससे विभिन्न उत्पादों की मांग भी जो है तेजी से बढ़ने लगी अमेरिका यानी कि नई दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आता है विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे आप देखें <coughs> ये अमेरिकी फोर्ड कंपनी है ठीक है अमेरिकी फोर्ड कंपनी कार निर्माता कंपनी है यहाँ पे जो है टी मॉडल की कारों का निर्माण हो रहा था ठीक है? टी मॉडल की कारें यहां पे आपको दिख रही होंगी यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कई सारी कारें दिख रही हैं, जो कि फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी हैं टी मॉडल की कारें ठीक है तो जो है आ, फोर्ड कंपनी जो है और फोर्ड कंपनी के जो संस्थापक थे हेनरी फोर्ड वो अमेरिका में कारों के मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं ठीक है तो अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे थे और उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे भी होने लगे थे इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही थी अपन किसकी बात कर रहे हैं उत्पादन और उपभोग की शुरुआत अब उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है तो उपभोग तो भी लोग तेजी से करेंगे ठीक है पैसा ज्यादा आएगा तो भाई उपभोग तेजी से होगा सब तरीके की वस्तुएं लोग खरीदना चाहेंगे उसके बाद देखें कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर उन्नीस में 50 लाख हो गया था इसी तरह से बजाजी सामान बजाज कंपनी के जैसे कि रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन रेडियो ग्रामोफोन आदि की मांग में भी तेजी बढ़ने लगी अमेरिकी में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली यानी कि किस्तें लेना अब आसान हो गया था कर्ज़ की सुविधा जो है आसान हो गई थी इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई और 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया था अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है 1923 में जो है बहुत ज्यादा समृद्ध हो गई थी और अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया था यानी कि सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता देश बन गया था अमेरिका <coughs> इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिलता है किस तरीके से मिलता है और पूरी दुनिया का व्यापार अगले छह वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा है क्लियर हो गई इतनी सारी बातें कि किस तरीके से जो है युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पादन और उपभोग अमेरिका में तेजी से बढ़ता हुआ हमें नजर आता है क्योंकि अमेरिका जो है ब्रिटेन के धराशायी हो जाने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता देश बनके सामने आता है चलिए अब हम बात करें महामंदी के दौर की महामंदी किस तरीके से आती है युद्ध के बाद ठीक है तो महामंदी की शुरुआत जो है उन्नीस से मानी जाती है कम मानी जाती है महामंदी की शुरुआत और यह संकट तीस के दशक के मध्य तक बना रहा अब देखें इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन रोजगार आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई ठीक है अब जब उत्पादन में गिरावट होगी रोजगार में गिरावट होगी आय में गिरावट होगी व्यापार में गिरावट होगी तो भाई अर्थव्यवस्था तो कमजोर होगी ही कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी कीमत गिरेगी <coughs> कीमत गिरेगी यानी की कि कम कीमत मिलेगी तो किसानों को आय कम मिलेगी अपन ने देखा कि किस तरीके से जो है Uh, एक समय पर युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन जो पूर्वी पूर्वी यूरोप जो है दुनिया के अन्य देशों को गेहूं का निर्यात करता था तो युद्ध के दौरान उसका निर्यात बंद हो गया तो वहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश जो है गेहूं का ज्यादा उत्पादन करने लगे और निर्यात करने लगे फिर युद्ध के बाद क्या होता है युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन फिर से गेहूं का निर्यात करने लगता है तो दुनिया के देशों में गेहूं ही गेहूं दिखाई देता है लेकिन क्या उतने गेहूं का उपभोग हो पाएगा नहीं हो पा आएगा और जहां गेहूं ही गेहूं दिखाई देगा यानी कि जितनी आवश्यकता है नहीं उतनी आवश्यकता से अधिक गेहूं का उत्पादन होगा तो उसकी कीमतें घटेंगी उसकी कीमतें घटेंगी तो किसानों की आय तो कम होगी ठीक है किसानों की आय तो कम होगी तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे उन्हें ये लगने लगा कि हम अगर ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा बिकेगा भले ही कीमत वही रहे लेकिन ज्यादा माल बिका नहीं क्योंकि जितनी जरूरत होगी लोग खरीदेंगे तो उतना ही जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो माल क्या होगा माल क्या होगा सड़ने लगेगा ठीक है तो क्या होगा उल्टा घाटा ही होगा फायदे की बजाय अब देखें बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया <coughs> अमेरिक उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया था अब मंदी की अर्थव्यवस्था सामने आती है महामंदी के दौर में क्या देखने को मिलता है महामंदी के दौर में ये देखने को मिलता है कि अमेरिका ने पहले क्या किया था कि कई सारे देशों को बहुत कर्जा देके रखा था लेकिन अब मंदी के चलते वही देश अमेरिका को कर्जा वापस नहीं लौटा पा रहे हैं अमेरिका को उसका पैसा वापस नहीं लौटा पा रहे हैं तो अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका देखते हुए यूरोपीय देशों को अब कर्ज देना बंद कर दिया था और इसी के चलते महामंदी के चलते जो है हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे भाई हजारों बैंक दिवालिया कैसे हो गए थे ऐसे हो गए थे कि अमेरिका अमेरिका के लोगों ने जो अमेरिका के बैंकों में पूंजी जमा की थी वही पूंजी तो जो है अमेरिका बांट रहा था भाई कौन सी पूंजी बैंक जो है जनता को उधार के रूप में देती है जो पूंजी उसके पास जमा होती है अब भाई जब मंदी की अर्थव्यवस्था आई तो जो यूरोपीय देश थे वो अमेरिका को कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे ठीक है और वहीं अमेरिका के बैंकों से भी पैसा खाली हो गया क्योंकि जो पैसा कर्जा पे दिया है वो वापस नहीं आ रहा तो क्या होगा तो क्या होगा हर जगह के बैंक दिवालिया ही होंगे यानी कि बैंक ही खाली हो चुके हैं इतनी बातें क्लियर हो गई कि किस तरीके से महामंदी ने जो है पूरे विश्व को वैश्विक महामंदी की बात हो रही है सिर्फ एक देश की महामंदी की बात नहीं हो रही कि किस तरीके से महामंदी के दौर ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके दे दिया था और यूरोपीय देश जो है कर्ज में डूबे हुए थे उन देशों को अब जो है अमेरिका ने और कर्जा देना बंद कर दिया था और महामंदी के दौर में कर्ज के दौरान ही कर्ज के कारण ही कई सारे बैंक जो है दिवालिया घोषित हो गए थे तो ये सब हमने देखा कि महायुद्धों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या परिदृश्य हमें देखने को मिलता है अब हम देखते हैं इसके आगे भारत और महामंदी ठीक है अभी हमने विश्व में महामंदी की बात करी थी महायुद्ध के बाद अब हम बात करेंगे भारत और महामंदी की बात करेंगे ठीक है तो <coughs> 1928 से उन्नीस के बीच देश का आयात निर्यात जो है घटके आधा रह गया था यानी कि महामंदी के इस दौर से भारत भी अछूता नहीं था भारत का भी इस दौरान यानी कि उन्नीस सौ के बीच में देश का आयात तो और निर्यात जो है आधा हो गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत भी कितनी गिर गई थी 50 प्रतिशत गिर गई थी भाई हर जगह गेहूं ने ही तबाही मचा के रखी थी क्योंकि हर जगह जो है गेहूं का उत्पादन तीव्र हो रहा था तो चारों तरफ जो है गेहूं का उत्पादन इतना तीव्र होने के कारण डिमांड जो है घट गई थी उपभोग जो है कम हो चुका था ठीक है <coughs> तो भारत में भी गेहूं की कीमत जो है पचास तक कम हो गई थी किसानों और काश्तकारों को इससे क्या हुआ ज्यादा नुकसान हुआ था ठीक है उसके बाद देखें महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो गई थी ठीक है ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही महामंदी ने प्रभावित किया हो महामंदी के कारण शहरी जनता और शहरी अर्थव्यवस्था भी खतरे में आ गई थी उसके बाद देखें <coughs> 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था 1931 में क्या देखने को मिलता है कि मंदी चरम पर थी यानी कि मंदी एकदम ऊंचाई पर थी जिसके कारण जो है ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था इसके बाद हम देखें भारत पर महामंदी के प्रकोप के बाद हम देखें कि युद्ध के बाद किस तरीके के समझौते हमें देखने को मिलते हैं ठीक है क्योंकि अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है महामंदी के दौर से गुजर रही है पूरा विश्व महामंदी के दौर से गुजर रहा है किसके कारण युद्ध के कारण तो युद्ध के दौर युद्ध के बाद जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए क्या समझौते होते हैं युद्ध के बाद उसके बारे में भी जान लेते हैं तो दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था ठीक है दूसरे विश्व युद्ध की बात करें इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर भी जो हैं बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित होते हैं कौन कौन सी कि पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय होता है पश्चिम में जो है अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय होता है और सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, संघ यानी कि कि रूस जो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार हमें दो बातों से नजर आ रहा है किन बातों से एक तो पश्चिम में अमेरिका जो है एक प्रबल आर्थिक राजनीतिक और साम साम्रे, सामरिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया उसके बाद सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन नजर आया क्लियर हो गई ये बात अब देखें आगे कि किस तरीके से जो है युद्ध के बाद हमें समझौते नजर आते हैं विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा करी गई उन्होंने दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जिन्हें नीचे बताया गया है विश्व के नेताओं ने किन ज्यादा बातों पर किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया औद्योगिक देशों में <coughs> आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना औद्योगिक देश जो है जहां पर ज्यादा उद्योग है वहां पर आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और दूसरी बात दूसरी बात इन्होंने क्या कही दूसरी बात कही पूर्ण रोजगार दिलवाना पूंजी सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना किस किस पर पूंजी सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना ये सारी बातें जो है विश्व के नेताओं ने मीटिंग करी और इन सब पर फैसला किया कि अब विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें ये कुछ उपाय अपनाने होंगे उसके बाद हम देखें ब्रेटन वुड्स समझौता समझौते में सबसे पहला समझौता जो है अपन देखेंगे ब्रेटन वुड्स समझौता तो ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है ब्रेटन वुड्स क्या है सबसे पहले इसको जान लेते हैं तो 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर कहां पे <coughs> अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई ठीक है किसके तहत हुई थी किस सम्मेलन हुई थी ब्रैटन वुड सम्मेलन में 1944 में जो कि कहाँ है ब्रैटन वुड्स एक स्थान है इसलिए वहाँ आयोजित सम्मेलन को ब्रैटन वुड सम्मेलन कहा गया अमेरिका के हेम्पर शायर के ब्रैटन वुड्स में एक समझौता हुआ ठीक है एक सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन के दौरान दो संस्थाओं का जन्म हमें देखने को मिलता है एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना हुई ठीक है इसलिए दोनों का जन्म जो है एक ही सम्मेलन में एक ही समय पर होता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रैटन वुड ब्राइटन वुड्स की ट्विंस कहा जाता है यानी कि ब्राइटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है ब्रैटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी ठीक है उसके बाद हम आगे देखें <coughs> नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश एनआईओ e. इसकी स्थापना क्यों करेगी भाई जो ब्रैटन वुड्स समझौता के दौरान ब्रैटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो दो आर्थिक संस्थाओं का जन्म हुआ था आईएमएफ यानी कि आई एम एफ और दूसरी कौन सी आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जो की, जो कि कि औद्योगिक देशों को ही पूंजी प्रदान करती थी अब हम देखें <coughs> तो नया आर्थिक आदेश का जन्म क्यों हुआ एन -E का जन्म क्यों हुआ <coughs> ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक तक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ था क्योंकि पश्चिमी देशों को जो है और औद्योगिक देशों को जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पूंजी दे रहे थे कर्जा दे रहे थे लेकिन विकासशील देशों के पास ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिससे उन्हें पूंजी मिले जिससे वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकें तो ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ था उन्होंने उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश एन की मांग के लिए या जी जी समूह का गठन किया था ठीक है यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपने स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी ठीक है तो जब विकासशील देशों ने देखा कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे विकसित देशों को ही पूंजी प्रदान कर रहे हैं ठीक है औद्योगिक देशों को ही पूंजी प्रदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पूंजी देने के लिए हमें पूंजी प्राप्त करने के लिए कोई नहीं है तो उन सारे देशों ने मिलके जी नामक <coughs> एक समूह बनाया और <coughs> उस समूह के दौर, उस समूह के द्वारा क्या होता था उस समूह की ऐसी व्यवस्था थी कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता कच्चे माल के लिए उचित मूल विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी ये बात हो गई ठीक है तो ये दो समझौतों की बात हो गई अब देखें चीन में नई आर्थिक नीति की बात करें ठीक है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो रहा है भाई युद्धोत्तर काल है ठीक है तो चीन में नई आर्थिक नीति की बात करें तो चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी ठीक है चीन में मजदूरी कम थी यानी कि चीन के लोग जो है कम वेतन पर भी काम कर लेते थे मजदूर जो है कम मजदूरी पर भी काम कर लेते थे तो चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया अब कम लागत लगेगी तो जो उत्पाद होंगे जो प्रोडक्ट होंगे जो सामान होगा वो सस्ता होगा उसके बाद देखें चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया अब भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने एमएनसी ने देखा कि चीन में मजदूर भी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं ठीक है उसके बाद जो है चीन की अर्थव्यवस्था जो है कम लागत वाली है संसाधन सस्ते आ, सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं उत्पाद सस्ते हैं वहाँ पर तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी अलग अलग देशों की उनने चीन के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बनाया यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अब चीन में निवेश करने लगी चीन में इन्वेस्टमेंट करने लगी चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तह में लौट गई थी ठीक है यहां पे ज्यादा से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं स्थापित होने लगी और उत्पादन करने लगी क्यों क्योंकि यहां पे सस्ता श्रम उपलब्ध था लागत कम थी ठीक है अब आगे देखें बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं <coughs> तो बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं बहुराष्ट्रीय यानी कि कई सारे देशों में काम करती हैं एम का विश्वव्यापी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी क्योंकि दुनिया भर में दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का क्या हुआ था विस्तार हुआ था उसके बाद देखें कि विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया क्या बात कही जा रही है यहाँ पर कि विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया था ठीक है तो इस तरीके से हमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका अलग अलग देशों में अपनी कंपनी स्थापित करने के रूप में दिखाई देती है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देखा कि कहाँ कहाँ जो है बाजार सस्ता है कहाँ उत्पादन सस्ता है कहाँ लागत सस्ती है कहाँ कम कीमत पे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं कहाँ पे जो है मजदूरी सस्ती है उसके बाद हम कुछ इस तरीके से <coughs> इस तरीके से जो है इस चैप्टर के दौरान जो भी अपनी महत्वपूर्ण शब्द आए हैं बीच बीच में उन शब्दों को भी अपन समझ लेते हैं ठीक है इनकी परिभाषा जो है आपसे अति लघु त्रिय प्रश्नों में पूछी जा सकती है तो अगर जब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको शब्दावली पता होगी तो आप कनेक्टिविटी आसानी से कर पाएंगे और जो है आपके हर एक चैप्टर में आपको छोटे छोटे बॉक्स में हर जगह एक छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई रहती है हैं प्रश्न जो है ज्यादातर वहीं से बनते हैं तो कुछ उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं वीटो <coughs> <coughs> वीटो क्या है एक कानून है ठीक है एक कानून है या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है यानी कि अगर <coughs> विश्व के कई सारे देश उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना कि विश्व के कई सारे देश एक मंच पर बैठे हुए हैं कोई एक मीटिंग कर रहे हैं विश्व के कई सारे देश मान लो किसी एक समूह के सदस्य हैं ठीक है अब उनके बीच कोई बात कही जाती है ठीक है कि ये बात अपन को करनी है ये काम अपन को करना है और उनमें से ही अगर कोई देश जो है कह देता है कि नहीं इस मामले में इस फैसले में हमारी स्वीकृति नहीं है तो ऐसी स्वीकृति अमेरिका 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 के पास है। अमेरिका के पास पास है है तो अमेरिका अगर कह देता है कि ये चीज हमें स्वीकार नहीं है यानी कि अमेरिका के पास वो वीटो अधिकार है तो उस फैसले को ही निरस्त कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है वीटो कहा जाता है वीटो जो है कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का यानी कि मना करने का एक संवैधानिक अधिकार होता है उसके बाद देखें टैरिफ टैरिफ की बात करें, तो एक देश के आयात या निर्यात पर एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है टैरिफ कहलाता है प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर जिसे अपन सीमा शुल्क भी कह सकते हैं उसके बाद देखें विनिमय दरें विनिमय दरें क्या कहलाती हैं या विनिमय दर किसे कहते हैं <coughs> वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें हैं एक है निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर यानी कि दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर व्यापार हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं यानी कि दो देश के बीच व्यापार हो रहा है दोनों देशों की मुद्राएं अगर अलग-अलग है अमेरिका की मुद्रा डॉलर है भारत की मुद्रा क्या है रुपया है तो विनिमय दर डॉलर और मुद्रा को आपस में जोड़ने का काम कर रही है क्लियर हो गई बात उसके बाद हम देखें इस चैप्टर का पूरा अपन निष्कर्ष जानने की कोशिश करें तो इस चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकल के आता है चैप्टर का नाम क्या था भूमंडलीकृत विश्व का बनना तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि पिछले दो दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है क्योंकि चीन भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल कर लिया है भूमंडलीकृत विश्व के बनने में सिर्फ अभी का ही योगदान नहीं है अपन देखते हैं प्राचीन समय से किस तरीके से रेशम मार्ग ने जो है विश्व व्यापार को बढ़ाने में योगदान दिया किस तरीके से भोजन की यात्रा हुई किस तरीके से एक देश की फसल से एक देश की प्रसिद्ध खाद्य वस्तु से खाद्य पदार्थ से दूसरा देश परिचित होता है और वो खाद्य पदार्थ वो भोजन पूरे देश में फैल जाता है किस तरीके से अपन ने देखा कि युद्धों के दौरान अर्थव्यवस्था का रूपांतरण होता है इस तरीके से हमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते ही नजर आते हैं <coughs> विकसित देश यूरोपीय देश जो पूरी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे थे युद्ध के दौरान किस तरीके से तबाही का सामना करते हैं और जो अमेरिका पहले दुनिया से अलग थलग देश था किस तरीके से वैश्विक शक्ति के रूप में सबके सामने आता है किस तरीके से युद्ध के दौरान जो है महामंदी का सामना करना पड़ता है युद्ध के पश्चात महामंदी की चपेट में पूरा विश्व आ जाता है और किस तरीके से भारत में भी महामंदी के असर देखने को मिलते हैं ठीक है और उसके बाद जो है हमने कुछ समझौते देखे जैसे कि ब्रैटन वुड्स समझौता जिसके दौरान किसका जन्म होता है जिसके दौरान जन्म होता है आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है और दूसरा पन्ने जी सेवेंटी समूह के बारे में भी जाना तो इस तरीके से हमने जाना ओवरऑल पुराने समय से लेके आधुनिक युग तक किस तरीके से <coughs> वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक न्यायिक आयामों के माध्यम से एक भूमंडलीकृत विश्व की रचना आप सभी के सामने यहाँ पे बनती हुई नजर आती है तो आज के सेशन में बस इतना ही आपका जो चैप्टर है आज का भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसका हमने एक कंप्लीट रिवीजन किया कंप्लीट कंप्लीट रिवीजन रिवीजन चैप्टर आप सभी के सामने मैंने आप सभी को बताया तो उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा क्योंकि इतने बड़े चैप्टर का अपन ने एक शॉर्ट में कंप्लीट रिवीजन किया है तो फटाफट से आज के सेशन को आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें बढ़िया अब <coughs> बात करें कि अगर इससे संबंधित पूरा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा पूरी प्लेलिस्ट आप हमारी चेक करें प्लेलिस्ट में आपको हमारा ये वाला चैप्टर जो है और इतिहास के अन्य चैप्टर भी आपको पूरे उपलब्ध हो जाएंगे और अदर चैप्टर भी जो है अदर सब्जेक्ट के चैप्टर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी ये सब चीजें जो हैं <coughs> मैग्नेट रेंस के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं तो एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए इस लिंक से ग्रैप कर सकते हैं और यूट्यूब <coughs> का जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसकी लिंक जो है नोट्स की इसी वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप कुछ और कोर्सेज भी चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि है आप यहाँ पर देखें सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम सी बी एस सी हिंदी मीडियम उसके साथ साथ तीन बोर्ड को भी हम कवर करते हैं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एम पी बोर्ड इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश यू ई टी एन टी एस सी और ओलम्पिया और ये सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन पर एकदम फ्री में उपलब्ध हैं जी हाँ और यूट्यूब के अलावा हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक इंस्टा ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है तो फटाफट से आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो हमारे साथ बने रहें जुड़े रहें पढ़ते रहें खुश रहें मस्त रहें थैंक यू सो मच